नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। पिछले कुछ सालों में ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है जो सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स, व्यूज और लाइक बढ़ाने का दावा करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर कैसे फॉलोअर्स, लाइक, व्यूज बढ़ाने का पूरा खेल चलता है और किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में जहां फेम नजर आता है, वहीं कम समय में बड़ा पैसा कमाने का लालच युवाओं को अपनी ओर लगातार खींच लाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फेक फॉलोअर्स वाली तकनीक है क्या? साइबर एक्सपर्ट किल्से चौधरी के अनुसार इसके लिए बोट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो बोट यानी फेक फॉलोअर्स का सहारा लेता है। अब उसको तकनीकी भाषा में बोट फॉलोअर्स वाली आईडी कहा जाता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बोट फॉलोअर्स का प्रयोग कभी ना कभी हर कोई करता है, फिर चाहे वो फिल्म स्टार हो या कोई सोशल मीडिया से जुड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर। बोट फॉलोअर्स के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के टूल्स या सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी करती है, जिससे किसी भी आईडी को एक बार में कई हजार या लाख फेक आईडी द्वारा फॉलो करवाया जाता है। बोट फॉलोअर्स द्वारा किसी को बड़ा इन्फ्लुएंसर दिखाया जाता है, लेकिन अब इन सभी बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बोट फॉलोअर्स होती तो आईडी ही है, तो हजारों या लाखों फेक बोट आईडी आती कहां से है? दरअसल बहुत से लोग एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक से ज्यादा अकाउंट बनाते हैं। यकीनन आप या हमने भी कभी बनाया होगा। उनमें से हम किसी एक पर एक्टिव रहते हैं और बाकी आईडी को बिना डीएक्टिवेट करे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन्हीं आईडी को इस्तेमाल बोट फॉलोअर्स के तौर पर बड़े पैमाने पर होता है। आईटी की दुनिया में सब मुमकिन है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग और हैकर्स के जरिए किसी भी सोशल मीडिया साइट से इस तरह का डेटा निकाल लिया जाता है कि कौन सी आईडी लंबे समय से यूज नहीं की जा रही, फिर इन्हीं आईडी को टूल्स के जरिए फेक फॉलोअर्स की तरह प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप भी अपनी कोई आईडी बनाकर उसे यूज नहीं करते, तो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल भी इसी तरीके से बोट फॉलोअर्स की तरह किया जा रहा हो। सिर्फ आम लोगों की आईडी को ही बोट की तरह प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि इसका एक बहुत ही बड़ा पैमाना है, बल्कि ऐसे भी फेक फॉलोअर्स यानी फेक आईडी होती है जिनको इसी काम के लिए बनाया जाता है। यानी कि कई ऐसी आईडिया भी हैं जिन्हें इसी काम के लिए बनाया जाता है। और इस बारे में सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी डिजिटल पिच के फाउंडर अमित कुमार सिंह बताते हैं कि बोट फॉलोअर्स के लिए डेड आईडी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है जिसके द्वारा बल्क में हजारों या फिर लाखों आईडिया बनाई जाती है। ये देखने में रियल आईडी जैसी ही लगती है। इन सब में प्रोफाइल पिक्चर लगा दी जाती है और पकड़ में ना आए इसके लिए ये आईडी में बायो भी लिख दिया जाता है। उसके साथ ही 2 से 3 पोस्ट भी किए जाते हैं ताकि किसी को शक ही ना हो। और फिर इन्हीं आईडियों का प्रयोग फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज और फेक लाइक बढ़ाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, कई एजेंसियां ये दावा करती हैं कि वो आपकी रियल फॉलोअर्स देंगी। यानी कि ऐसे में देखने में ये आया है कि कई यूजर्स जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी आईडी को भी हैक करके इस तकनीक का प्रयोग करके किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करवा दिया जाता है और उस व्यक्ति को पता तक नहीं चलता कि उसने कब उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लिया और कब से उसकी आईडी हैक हो रखी है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई ऐसी आईडी नजर आए जिसके फॉलोअर्स अचानक से बढ़ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसने इसी तरीके से बोट टेक्निक का या फिर और दूसरी जो टेक्निक्स ऊपर बताई हैं उसका इस्तेमाल किया हो। फॉलोअर्स बढ़ाने का पूरा मार्केट बन चुका है जहां आपको हर तरह के पैकेज मिलेंगे। यानी आप चाहे फॉलोअर्स, चाहे लाइक या फिर व्यूज बढ़वाएं, सभी के लिए इस तमाम पैकेज मार्केट में उपलब्ध है। ऐसी बहुत सी पोस्ट भी नजर आएंगी जो ना सिर्फ स्पॉन्सर हैं, बल्कि प्रोफाइल को मोनेटाइज कराने का दावा भी करती है। सोशल मीडिया पर इन्हीं दिनों 50 रुपए में 1000 रुपए फॉलोअर्स, 5 रुपए में 100 लाइक्स और 5 रुपए में 1000 व्यूज तक को बढ़ाने के बेसिक पैकेज लेकर कंपनी अपनी तरफ से लोगों को खींचती है। मार्केट में इसके लिए पैकेज का नाम भी रखा गया है। इन्हें बेसिक पैक, स्टार्टर पैक, स्टैंडर्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड पैक में बांटा गया है। इतना ही नहीं, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो आपको प्रोफाइल और चैनल को मोनेटाइज कराने का दावा भी करेंगी। इसके लिए वो 6000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक का चार्ज करेंगी। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर तो बहुत से पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जहां 100 रुपए में 1000 फॉलोअर्स बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सस्ते में ये कैसे काम हो रहा है? तो इसका सीधा जवाब है कि ये डेड आईडी होती है, ना ये काम करती है और ना ही इन पर कोई असली व्यक्ति होता है। इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम वेबसाइट इस तरह के सस्ते पैकेज दे रही है। ऐसे लोग भी हैं
जो सोशल मीडिया पर विज्ञापन को प्रमोट करते हैं, तभी लोग उन पर विश्वास करके जाल में फंस जाते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाने वाले विक्रम श्रीवास्तव के अनुसार फेक फॉलोअर्स की मांग करने वालों में ज्यादातर युवा लोग हैं, जिनको इन्फ्लुएंसर बनना होता है, जिनको शो ऑफ करना होता है, वो इस तरह से पैक लेना पसंद करते हैं। यही छोटे शहरों में इसकी काफी मांग देखी जाती है। सोशल मीडिया मार्केट में ऐसी भी कंपनियां हैं जो अच्छा और सही काम कर रही हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से चार्ज भी करती हैं। मगर ऐसी कंपनियों की संख्या मात्र 5% होगी। अब तेज तर्रार द्वारा दिखाई गई ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूले। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।